अच्छा लास्ट टाइम हम वो एक जगह यूआरएल में आके फंस गए थे। तो वो उसका सॉल्यूशन ये था, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि बहुत छोटी सी हम गलती कर रहे हैं, वो ये इसको मैंने सही कर दिया है। तो ये सेंटेक्स होगा उसका जो हम लास्ट वीक फंस गए थे, जहाँ पे ये सामने लिखा हुआ है, तो देख लें। क्लियर है भाई ये? सर इमेज सोर्स में जो यूआरएल दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं जी, जी सर, क्लियर है। वो हम एक साथ ही दोनों वेरिएबल्स दे रहे थे, तो वो ये डिवाइड बाय जीरो की कंडीशन लग रही थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। उसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, तो ये चल रहा है। अच्छा जी, बाकी कौन रह गया? बारह टाइम स्क्रीन। अच्छा उसके बारे में जी, थोड़ा सा सर एक दफा प्रीव्यू दे देते हैं, अगर सरों को शायद अगर बाकी से पूछते हो गया तो वो भी थोड़ा शेयर करूंगा। अच्छा देखिए, उसमें करना ये था कि हमने टेम्पलेट बना के, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम उसको एक लेआउट की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट के अंदर हम जितनी भी जेएस और सीएसएस की फाइल्स हैं उनको हम नॉर्मली इस अंदाज से, इस तरह से, अब इस कोड के थ्रू, यूआरएल के थ्रू एसेट्स में रखते हैं और वहां से हम उसको कॉल कर लेते हैं। जिस तरह जितनी भी सीएसएस फाइल्स हैं और जो जेएस फाइल्स हैं उनको हम इस तरह से अपने जी सर, टेम्पलेट में इंक्लूड। उसके बाद करते ये हैं कि जिस तरह नेव बार को हमने अलग तोड़ा, ये लास्ट टाइम हमने देखा था, जी सर, नेव बार को हम अलग तोड़ देते हैं, हेडर को अलग तोड़ देते हैं और उसको उस लेआउट के अंदर इंक्लूड करते चले जाते हैं इस तरह से, जिस तरह हमने किया, ताकि फाइल्स अलग अलग हो जाए। आप चाहें तो ना भी तोड़ें, आप एक ही कर लें, सिर्फ कंटेंट की, जिस जहां पर आपकी कंटेंट की स्क्रीन चेंज होनी है बस वहां कंटेंट को यील्ड कर लें, बाकी आप नेव बार ना तोड़ें, हेडर ना तोड़ें, फुटर ना तोड़ें, इट्स अप टू यू। लेकिन नॉर्मली एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इन चीज़ों को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, सही ताकि उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका और कोई नहीं होता, अब तोड़ो इसको चंक्स बना के, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए मेंटेन करना आसान हो जाए, ठीक है। और जो हमने डायनेमिक वैल्यूज जो उठाई, जिस तरह हमने नेव बार की वैल्यूज उठाई, अभी हमने नेव बार की वैल्यूज कंट्रोलर से इस पर भेजी थी, अगर आपको याद हो। जी सर कौन सा कंट्रोलर था हमारा? अच्छा नहीं, तो वो है, सॉरी, HTTP कंट्रोलर, ये डिटेल पे अगर आपको याद हो तो हमने ये कैटेगरीज उठाई थी, और ये कैटेगरीज जब हम इस अपने डिटेल पेज पे भेज रहे थे, तो डिटेल का जो व्यू है इस पे भेज रहे थे, इसने लेआउट को एक्सटेंड किया हुआ है। जब ये वैल्यूज लेआउट पे पहुंची तो ये ऑटोमेटिकली इस नेव बार के अंदर अवेलेबल है, और नेव बार में हमने डायनेमिकली ये कैटेगरीज उठा के लिस्ट डाउन की थी जो हमारे यहाँ डिस्प्ले हो रही थी। ये जी सर, ठीक हो गया? अच्छा, ये इमेज भी आ गई थी हमारी, वो अलग बात है, इस पर हमने अभी कोई सीएसएस नहीं अप्लाई की, ये इमेजेस हमारे पास इस तरह से आ रही है। चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वेट कर लिया काफी सारा।
आज हम बनाने जा रहे हैं फॉर्म्स। और हमने पहले एक बात की थी कि जिस तरह से हर वेबसाइट में एक फ्रंट एंड होता है जो कि एंड यूज़र को, जिस तरह ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का एक फ्रंट एंड होगा जो आप जिस पे आपका बायर या कस्टमर आ रहा होगा, और एक बैक एंड होगा जहाँ से आप अपने डेटा कॉन्टेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं, जिसको हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एडमिन पैनल बनाने के लिए जो है यकीनन आपको लॉगिन चाहिए होगा, ताकि एडमिन ही उस एरिया को, कूलर रहने दें इसको, अच्छा एडमिन पैनल के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आप उसको लॉगिन करके उसके बाद उस एरिया को एक्सेस कर सकें। अच्छा लारावेल के अंदर आपको ये काम जो है ना वो एक और आसानी के साथ आप इस काम को अचीव कर सकते हैं। पहले मैं वो वाली चीज़ ये चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना फॉर्म किस तरह से डेवलप करेंगे और किस तरह से काम करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ php artisan make, और उसके बाद मैंने लिखा auth। अच्छा 6 में ख़त्म हो गई, अभी 5 इसमें तो है ना, क्या ख्याल है, जहाँ तक है वहाँ तक तो यूज़ कर सकते हैं ना। क्या ख्याल है सर, कर सकते हैं ना। अच्छा इससे पहले मैं एक दो चीज़ें और थोड़ी सी आपको बता दूं, मतलब आप लोग बोलेंगे यार सर ने हमें ये चीज़ तो बताई नहीं, ये होती है ये होती है। ऑथेंटिकेशन से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए इसके अंदर एक एक चीज कहलाती है माइग्रेशन, ये नजर आ रही है माइग्रेट लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, अच्छा ये माइग्रेशन और माइग्रेट, और एक चीज होती है इसमें आपका भला करे सीड, ये रहा ये मेक के साथ है, मेक के साथ ये लिखा हुआ है सीडर। अच्छा मैं पहले माइग्रेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ माइग्रेशन और माइग्रेट, और उसके बाद मैं सीडर भी बता देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक माइग्रेशन बनाता हूँ php artisan make माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का नाम बताया लिख देता हूँ, लेट सपोज क्या बताऊं मैं, परमिशंस, अच्छा जी ये एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई। अच्छा अब ये कहां पर अवेलेबल होगी, मैं कोड के अंदर आता हूं, जरा हम इसको थोड़ा सा समेटते हैं ताकि हम, अब यहाँ पर मेरे रूट फोल्डर में एक फोल्डर मौजूद है फैक्ट्रीज का, एक माइग्रेशंस का और एक सीड्स का है। मैं इस माइग्रेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 फाइलें पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी मैंने जिस नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की, मतलब मैंने जो एक नई माइग्रेशन क्रिएट की परमिशन, ये यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक क्लास इसने क्रिएट की परमिशन के नाम की, जो हमने फाइल नेम दिया एक्सटेंड्स माइग्रेशन, और इसमें इसने दो फंक्शंस बनाए अप एंड डाउन। अच्छा अब मैं इसके अलावा एग्जिस्टिंग ये जो दो बने हुए हैं इनको ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट यूजर टेबल माइग्रेशन, और इसके अंदर है अप और है एक डाउन। बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि लारावेल आपसे ये कहता है कि आप अपने डेटाबेस के साथ डायरेक्टली जो है ना कम्युनिकेट ना करें, यहाँ तक कि आपने अगर कोई टेबल भी क्रिएट करना है, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं नॉर्मली जाके MySQL में लॉग इन किया
कोई इंटरफेस PHP MyAdmin है या कोई भी हम SQL Log यूज कर रहे हैं, वहां से जाके हम क्रिएट टेबल करते हैं, अपनी फील्ड्स देते हैं, फील्ड की टाइप्स देते हैं और अपना टेबल क्रिएट कर देते हैं। लारावेल ये कहता है कि भाई आप ये काम भी खुद से ना करें, ये काम भी मैं आपके लिए करके दूंगा। यानी कि आपने अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप वो टेबल मुझसे कहें, मैं आपको क्रिएट करके दूंगा। और उसके लिए तरीकाकार ये है कि ये स्कीमा क्रिएट, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है स्कीमा की, इसके थ्रू वो कहता है कि टेबल मैं क्रिएट करके दूंगा, आप खुद से ना करें। मिसाल के तौर पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए और अपनी परमिशन के टेबल में जाता हूँ और यहाँ अब मैंने क्रिएट यूज़र की जगह कर देता हूँ परमिशंस। और यहाँ पर मैं देता हूँ परमिशन नेम रोल बोर्ड पे लिखो। अच्छा आप लोग बाहर जाए, वो बड़े मेरे भतीजा के पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं, मैं उनका पढ़ा रहा हूँ तो कह रहे हैं बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे। अच्छा एक पेज मैंने क्रिएट अप में क्रिएट करने का स्कीमा मैंने लिख दिया। दूसरा जो डाउन है इसके अंदर भी मैं स्कीमा ड्रॉप इफ एग्जिस्ट परमिशन। अब होगा क्या, अब ये मेरी एक माइग्रेशन बन गई। अब इस माइग्रेशन को क्रिएट करने से हुआ क्या कि मैं जब माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करूंगा तो एक टेबल बन जाएगा जिसका नाम होगा परमिशन। उसमें ये कॉलम्स बन जाएंगे आईडी, परमिशन नेम, रोल नेम और एक टाइम स्टैम्प की वजह से एक फील्ड बनेगी क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय की। इसके अलावा जब अच्छा ये अप का फंक्शन तब चलेगा जब मैं इस माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करूँगा। मेरे पास माइग्रेशन एग्जीक्यूशन एक है माइग्रेट इंस्टॉल, तो ये तमाम माइग्रेशंस को एग्जीक्यूट कर देगा। और एक है मेरे पास माइग्रेशन रोल बैक, उसमें क्या होगा ये जब मैं इंस्टॉल चलाऊंगा तो ये अप का फंक्शन चलेगा और जब मैं रोल बैक चलाऊंगा तो ये डाउन का फंक्शन चलेगा। यानी कि जो भी काम आप अप में कर रहे हैं उसका रिवर्सल आपने डाउन में लिखना होता है। यानी कि एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका रिवर्स फंक्शन क्या होगा कि जी मैं उस टेबल को ड्रॉप कर दूँ। मैं एक माइग्रेशन ऐसी लिखता हूँ जिसमें मैं टेबल के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसके रिवर्स में क्या होगा कि वो जो ऑल्ट्रेशन मैंने परफॉर्म किया उसको मैं रिवर्स कर दूँ। मेरी बात समझ में आ रही? जी सर। ये चीज़ लारावेल में मौजूद है लेकिन हम क्योंकि हम इस चीज़ के आदि नहीं होते, हम इस चीज़ को नॉर्मली हम इस तरह से नहीं करते, लिहाजा हम जो काम करते हैं वो उसी तरह ही रहने दें। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये कि इस तरह की चीज़ भी कोई एक लारावेल में मौजूद है जिसको अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्त ले ला ले बैठ ले। अच्छा अभी बाहर जाए, आप दूसरी ला देंगे? हाँ बाहर जाए। दरवाजा बंद कर देंगे बेटे। सॉरी भाई।
अच्छा क्या बता रहा था मैं? हाँ तो अब में हम जब हमने उस माइग्रेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपका फंक्शन चलेगा, और इसी तरह से जब हम रोल बैक करेंगे तो ये डाउन का फंक्शन चलता है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा अब मैं थोड़ी देर के लिए पहले काम, अब मैं जो ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, अब हमारे पास एक कमांड है PHP आर्टिसन मेक, और आपने लिखना है ऑथ सिंपल। मैं अब एंटर दबाता हूँ। सर ये परमिशंस इसलिए यूज होती है माइग्रेशन परमिशन। नहीं, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे परमिशन बनाई है, ज़रूरी नहीं इसी से आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट का, हम क्योंकि बहुत सारा डेटाबेस बना चुके थे इसलिए बेसिकली बेसिकली माइग्रेशन टेबल। हाँ नहीं, बेसिकली माइग्रेशन जो है वो टेबल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, या डेटाबेस में जहाँ हम देखें, एक तो आपके कोड से एप्लीकेशन से इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, ठीक है, लेकिन लारावेल आपसे ये कहते हैं कि जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल के अंदर कोई ऑल्टरेशन कर रहे हैं, टेबल का नाम रीनेम कर रहे हैं, इस तरह के भी जो काम है वो आप डायरेक्ट माई सीक्वल पे जाके मत करो, वो भी मुझसे कहो, मैं आपको करके दूंगा। तो उसके लिए ये माइग्रेशन अवेलेबल है। मैं लारावेल की ठीक है डॉक सर। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो समझ आऊंगा। जी री माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन, हाँ इसके आसान अल्फाज में जो ये डेफिनेशन देता है, माइग्रेशन आर लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर योर डेटाबेस। हाँ ठीक है, तो ये आप इसकी तफसीलात। ओके सर थैंक यू। अच्छा अब मैंने ऑथेंटिकेशन जब चला दी, अब मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ दोबारा चलता हूँ। अब आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का एक लिंक ऐड हो गया होम पेज पे, जिसको मैंने आज तक छेड़ा नहीं था। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ लॉगिन पे, तो मुझे एक फॉर्म नज़र आया जो मैंने नहीं क्रिएट किया, ठीक है, और एक अदद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी है जो कि खुद से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये बैकएंड पे क्या हुआ, ये हम लॉगिन रजिस्टर बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जब मैंने ये ऑथ की कमांड चलाई तो इसने क्या क्या काम परफॉर्म किया बैकएंड के ऊपर। नंबर 1, सबसे पहला काम इसने ये किया, एक यूजर के नाम का टेबल क्रिएट किया, जी एक टेबल और आना चाहिए था।
सर मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं एक मिनट में आ जी अच्छा एक काम तो इसने किया कि इसने टेबल क्रिएट किया, दूसरा काम क्या हुआ, अब ये कोड, अब जब इन यूआरएल्स को इसने हिट किया होगा पब्लिक के बाद रजिस्टर और लॉगिन, तो यकीनन इसके लिए हम जो अभी तक पढ़ते आए लारावेल में हम राउट डिफाइन करते हैं। तो मैं अब अपनी राउट की फाइल ओपन करता हूँ जो कि है ये। अब इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक तो हम अपना कोड लिख चुके थे, इसने आगे क्या किया, auth dot routes, ये मैंने नहीं लिखा, ये इसने खुद से लिखा है, और उसके बाद होम और होम कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स अंडर सॉरी एट द रेट इंडेक्स, और उसके बाद उसने कहा कि जी अगर होम हिट हो तो इसको यहाँ पर भेज देना, और उससे पहले ये दो लाइनों का इजाफा इसने खुद से किया। ये दो लाइनें क्या करती हैं ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा मज़ीद क्या किया, मैं चलता हूँ ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर, इसने यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट किया होम कंट्रोलर, इसके अंदर इसने ये दो तीन फंक्शंस लिखे, ठीक है, यानी कि एक काम डेटाबेस क्रिएट हुआ, दूसरा काम इसने राउट की फाइल में इजाफा किया, तीसरा काम कंट्रोलर क्रिएट किया अच्छा एक तो कंट्रोलर क्रिएट किया और साथ में एक यहाँ कंट्रोलर के अंदर ये auth के नाम से ये चार मज़ीद कंट्रोलर भी क्रिएट किए, जिसमें एक है लॉगिन कंट्रोलर, एक है रजिस्टर कंट्रोलर, एक है रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर और एक है फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर। ये चार कंट्रोलर भी इसने क्रिएट किए, क्या करते हैं इस पर भी हम तफसील से आ जाएंगे। प्लस ये जो व्यू जनरेट हुआ है इसके लिए यकीनी तौर पे रिसोर्सेज भी क्रिएट हुई होंगी, तो इसने यहाँ पर auth के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया जिसमें लॉगिन रजिस्टर और पासवर्ड रीसेट पासवर्ड और ईमेल, यानी कि ये चार व्यूज भी जनरेट किए। ठीक हो गया था ना जी सर? अच्छा और इसने एक लेआउट क्रिएट किया जिसमें लेआउट्स ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के नाम से एक फाइल ये भी क्रिएट की इसने, तो यानी कि ये सारी व्यूज जनरेट किए, कंट्रोलर जनरेट किया, राउट जनरेट किया, डेटाबेस क्रिएट किया। अब हम एक काम करते हैं पहले इसको चला के देखते हैं, चल मुझे वैसे उम्मीद है ये नहीं चलेगा, तो पहले हम इसमें एक रजिस्टर होते हैं, मेरा नाम है मुबशिर, मेरा ईमेल एड्रेस है लेट्स सपोज मुबशिर एट टेस्ट डॉट कॉम, पासवर्ड में रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है जी, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा इसकी वजह क्या है कोई बता सकता है? सर डेटाबेस में कुछ सर नेम का कॉलम नहीं मिल रहा उसे। जनाब 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 बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स के नाम का टेबल मौजूद है, ठीक है। अच्छा इसने भी यूज़र के नाम का टेबल क्रिएट करने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है तो इसने कोई वहाँ पर हमें एरर नहीं दिया। तो एक काम मैं ये करता हूँ, मैं इस टेबल को फ़िलहाल ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा ड्रॉप करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने टर्मिनल पर, यहाँ पर आके चलाता हूँ माइग्रेशन को एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि वो जो उसने जो एग्जिस्टिंग क्रिएट करके रखे हुए हैं जो टेबल्स का स्कीमा उसने क्रिएट करके रखा है, जो माइग्रेशन बनाई हुई है उनको वो इंस्टॉल कर दे। तो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट ठीक है जी,
migrating user table, password reset table और permissions table. इसने तीनों migrations को execute कर दिया. अब मैं आता हूँ दोबारा से अपने इस डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ. रिफ्रेश किया था मैंने. अच्छा जी, अब मेरे पास यूजर्स का टेबल बन गया. अच्छा, एक टेबल तो यूजर्स का बना, एक परमिशंस का बन गया जो मैंने बनाया था, मैंने नाम दिया था, उसके अंदर वही कॉलम्स बने होंगे. ठीक है, मैंने लिखा था आईडी, परमिशन नेम, रोल नेम, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, ये दो फील्ड उसने बनाई टाइम स्टैम्प की वजह से. बिल्कुल सही. अच्छा, इसके अलावा इसने पासवर्ड रीसेट का टेबल एक बना दिया. इसके अंदर भी जो स्कीमा वहाँ दिया गया होगा वो स्कीमा यहाँ पर अवेलेबल है. एक एडिशनल इसने टेबल क्रिएट किया है माइग्रेशंस का, और इसके अंदर इसने तीन रिकॉर्ड एग्जीक्यूट, तीन रिकॉर्ड रखे कि जी ये माइग्रेशंस मैंने एग्जीक्यूट कर दिए हैं. और इसके बाद ये बैच वन का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब ये माइग्रेशन चलाने जाएगा तो ये देखेगा कि ये बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए इसने रखा है कि भाई ये मैं चला चुका हूँ, ये नए हैं, इनको मैंने चलाना है. यानी कि यहाँ से वो मैच करेगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब दोबारा माइग्रेशन चलाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक दफ़ा फिर माइग्रेशन चला देता हूँ, तो ये कह रहा है कुछ भी माइग्रेशन के लिए नहीं है. क्यों? क्योंकि इसने पहले यहाँ से इन नामों को उठाया, तो वो कह रहे मैं इनको ऑलरेडी चला चुका हूँ. अब मैं कोई नई माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ और जब उसको माइग्रेट करूँगा तो क्योंकि वो इस टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिहाजा वो उस रिकॉर्ड को उठाएगा, उस फाइल को उठाएगा जो यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, यानी मैच करेगा, और जो नई माइग्रेशन क्रिएट हुई भी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा और अगेन उसकी भी एंट्री यहाँ पर ला के डाल देगा ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको एग्जीक्यूट ना करे. आगे बात समझ में? जी सर. सर बैच को जीरो करके दोबारा चलाए वो चल जाएगी ना, तो वो टेबल फटेगा, मतलब वो बोलेगा दोबारा एग्जिस्ट करता है. जीरो करके चलाऊंगा तो वो चला देगा. ठीक है. नहीं सॉरी, जीरो करके चलाऊंगा तब भी नहीं चलाएगा क्योंकि ये नाम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. बेसिकली अब मैं अगर परमिशन के ऊपर कोई ऑल्टर की क्यूरी चलाता हूँ, ठीक है, तो अब मैं वो ये कहेगा कि ये इसी परमिशन का बैच टू है, वर्जनिंग कर लेगा. अच्छा, अब आखिर में जो इसने टेबल क्रिएट किया वो यूजर्स के नाम का टेबल क्रिएट किया जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये फील्ड रखी. अच्छा, प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाता चलूँ. इसने मैं माइग्रेशन खोल दूंगा. देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट रखा था, तो इंक्रीमेंट जब हमने रखा तो इसने इसकी टाइप जो है वो इंटीजर रखा और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है ये फील्ड. इसी तरह हमने जब नेम स्ट्रिंग तो इसने इसको वारचा रखा. ईमेल स्ट्रिंग रखा लेकिन साथ में मैंने उसको लगाया यूनिक. ईमेल वार्चर है, नॉट नलेबल है और यहाँ पर इसमें एक और वो इसने इसको इंडेक्स भी क्रिएट किया होगा, यूनिक इंडेक्स. अगर मैं इसके इंडेक्सेस देखूँ तो देखें इसने इसको ईमेल को यूनिक इंडेक्स बनाया है. यूज़र ईमेल यूनिक है, यूनिक, यस, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है. यानी कि जब मैंने इसके साथ उसका इजाफा कर दिया यूनिक का तो इसने इसको यूनिक कॉलम, क्योंकि ईमेल रिपीट नहीं होगा, इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. फिर इस तरह रिमेंबर टोकन, रिमेंबर टोकन की फील्ड इसने खुद से क्रिएट की, इसको वारचा रखा और टाइम स्टैम्प की वजह से इसने ये दो फील्ड्स क्रिएट की, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट.
यहाँ तक क्लियर हो गया भाइयों? जी सर। अच्छा अब मैं वापस चलता हूँ अपने इस पेज पे, मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करता हूँ जनाब। अब मैं लॉगिन हो गया, साइन अप रजिस्टर हुआ था, रजिस्टर होने के बाद मैं लॉगिन हो गया और मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ पर ये लिखा है होम, मतलब आप होम पे रिडायरेक्ट होगा, यू आर लॉग इन, लॉग आउट कर सकता हूँ। और अगर हम डेटाबेस में अब जाकर देखें अगेन, मीन्स एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, नाम ईमेल जो भी मैंने डेटा दिया था उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये रिकॉर्ड मेरा अपडेट, मतलब इसमें इंसर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। कोई सवाल, कोई परेशानी? अब हम चलते हैं एक नई चीज की तरफ, पर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, इस होम कंट्रोलर के ऊपर मैं इस URL को थोड़ी देर के लिए कॉपी करता हूँ डायरेक्टली और लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब मैं इस URL को दोबारा से हिट करने की कोशिश करता हूँ, होम पे डायरेक्ट जाने की कोशिश करता हूँ। इसने क्या किया, मुझे रीडायरेक्ट कर दिया टूवर्ड्स लॉग इन पेज। हमें एडमिन पैनल के लिए भी यही चाहिए होगा, यदि अगर वो लॉग इन ना हो तो वो कहाँ ना जा सके, एडमिन पैनल यानी अंदरूनी पेजेस पे ना, इनर पेजेस पे ना जा सके। जी सर। वेरी गुड। अच्छा अब ये जो इसने लॉगिन को चेक किया कि आया कि ये भाई यहाँ पे तो सिंपली इंडेक्स लिखा हुआ था ना, इंडेक्स और होम, इसने यहाँ पे लिखा कि जी व्यू होम, तो इसको तो असूलन होम पे चले जाना चाहिए था होम कंट्रोलर से। ये होम कंट्रोलर है डायरेक्टली, ये इंडेक्स के ऊपर व्यू मुझे दिखा देता होम पेज का, क्योंकि होम पेज का अगर मैं व्यू देखूं तो सिंपल सा एक व्यू है जहां पे लिखा हुआ होगा ये किरण यू आर लॉग्ड इन, सिंपल। ठीक है, इसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, ये इसने इसलिए जाने नहीं दिया कि यहां पर एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने एक मिडिलवेयर ऑथ को कॉल किया है। अब पहली चीज जो आपको यहां समझनी है वो ये समझनी है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि ये मिडिलवेयर क्या है। ठीक है, तो मिडिलवेयर पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्ट लिखा है इसको हमारी प्रोग्रामिंग की जबान में इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सर कंस्ट्रक्टर मैजिक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त कॉल होता है। कंस्ट्रक्ट एक मैजिक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त लाजमी कॉल होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दोनों जवाब, ये कंस्ट्रक्ट एक मैजिक फंक्शन है जो कि रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को, या यूं कह लें कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर ही है। अच्छा ये क्लास का कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, लेकिन इसको हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है आसान अल्फाज में। और जैसे ही आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। आई रिपीट कि जैसे ही आप, मेरे पास एक क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, मुझे उसको खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हर हाल में कॉल होगा। यहाँ अच्छा अब आप यहाँ सवाल ये पूछ सकते हैं कि जी हमने तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं। एक
अच्छा यहाँ तक क्लियर, ये कंस्ट्रक्टर की बात समझ में आ गई? अताउर रहमान साहब, नुमान साहब, ओफरान साहब? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा अब हम चलते हैं इस मिडिल वेयर की जाने, क्योंकि देखिए ये मिडिल वेयर आपको समझ में आ गई ना, ये वाली खास तौर पे तो आपको अभी तक जिस तरह लारावेल पढ़ा मुझे उम्मीद है कि वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था माजरत के साथ कि वो बहुत आसान आसान चीज़ें थी जो हमने की। ये थोड़ी सी एक लॉजिकल चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी, और ये समझ में आ गया समझे आपको लारावेल आ गया, इसके अलावा लारावेल में कुछ है नहीं। इसके अब जो हम इसके बाद वाला जो काम है वो भी बहुत आसान है, वो जो हम क्रड बनाएंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके लिए रूट क्रिएट होगा, एक व्यू क्रिएट होगा, फॉर्म बनेगा, उसका सबमिट होगा, उसकी वैल्यूज हम पिक करके सेव करा देंगे। ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल ये भी नहीं है, मिडिल वेयर भी नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हट के, क्योंकि ये बकिया फ्रेमवर्क्स में या किसी और जगह आपको ये इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा अब ये मिडिल वेयर ने क्या किया है, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये यहाँ कर क्या रहा है। इसने किया ये, इसने चेक किया कि आया कि बंदा लॉग इन है या नहीं, अगर लॉग इन है तो मैं होम पेज पर जाने दूंगा, और अगर लॉग इन नहीं है तो मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा, बाहर फेंकने से मरा लॉग इन की स्क्रीन पर फेंक दूंगा। ठीक है अब मैं इस सेशन ही यूज किया है, इसने भी सेशन ही यूज किया है। अच्छा अब मैं इस मिडिल वेयर को ओपन करने लगा, नजर आ रहा है सबको? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज स्लो हो गई। अच्छा एक मिनट में डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लेता हूं।
हेलो जी सर। आवाज चलिए, तस्वीर तो नहीं आ रही। स्क्रीन भी नजर आ रही नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं की। अब एंटीना कर इलादन दूं सर आ जाएगी, आ गई। चलिए। हम बात कर रहे थे मिडिलवेयर की, तो अभी मिडिलवेयर जो हमें मिली है के लिए मैं अगर थोड़ा सा तफसील में जाऊं। अभी मैंने बताया कि मिडिलवेयर का काम क्या है, ये मिडिलवेयर आपके सेशन को चेक करेगी। अगर लॉगिन है तो आपको होम पेज पे जाने की इजाजत मिलेगी, अगर आप लॉगिन नहीं है आपको होम पेज पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये इसका काम है, ये बात क्लियर। जी सर। अब मैं अगर आप इसका कोड दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे कि चक्कर नहीं आएंगे। यहाँ पर HTTP के अंदर एक फाइल मौजूद करने की नल डॉट PHP, ये कर्नल डॉट PHP है जिसके अंदर इसने सर स्क्रीन रुक गई आपकी। अभी आवाज भी बल्ब आ रही है। सर, ये सही कह रहे हैं। मैं दोबारा से डिस्कनेक्ट करके मैं अपना कनेक्शन करता हूँ, जरा मुझे 5 मिनट दें, ओके मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। आप लोग यहीं पर रुकिएगा, मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ। हेलो, यस सर। अब आवाज सही है? यस सर, आवाज सही है।
स्क्रीन भी नजर आ गई है। यस सर। सबको क्लियर है स्क्रीन और आवाज? यस सर। जी सर। फोन आ गया, फोन उठाएं पहले। फोन सुन लिया? जी सर, काट दिया। काट दिया, सुना नहीं, चले नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ HTTP के अंदर फोल्डर में ऐप HTTP के अंदर एक फाइल मौजूद है kernel.php की। ये फाइल आपके लारावेल की एक तरह से समझ लें इस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए बैकबोन का काम करती है। यानी कि इस पूरे लारावेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल अगर किसी को कहा जाए जिसके ऊपर ये पूरा फ्रेमवर्क बेस कर रहा है, तो इस फाइल को कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को मैनेज करने वाली फाइल ये एक सिंगल फाइल है कर्नल की। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। चेक फॉर मेंटेनेंस मोड, ट्रस्टेड प्रॉक्सीज और ये बहुत सारी फाइल्स को इंक्लूड करता है। यहाँ लास्ट में अगर आप देखें तो ये मिडिलवेयर्स को पिक कर रहा है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑथ बेसिक है, बाइंडिंग है, कैन गेस्ट और थ्रॉटल, और इसके अलावा ये ऑथ। अब ये ऑथ की फाइल कहाँ मौजूद है? ऑथ मिडिलवेयर एलिमिनेट मिडिलवेयर, ये फाइल कहाँ है? और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डॉट क्लास। अब मैं अगर इस ऑथेंटिकेशन डॉट क्लास को ओपन करता हूँ, ये फाइल जो ऑथेंटिकेशन का काम परफॉर्म कर रही है, और ये एक्चुअल फाइल है इसकी, तो और अगेन इसके अंदर जो फंक्शन जो ये काम परफॉर्म कर रहा है वो ये हैंडल का फंक्शन है, ठीक है। और इसने अपने ही अंदर का एक फंक्शन ऑथेंटिकेट कॉल किया है, जिसके अंदर इसने इंफॉर्मेशन पास की है, जिसने इसको वेरीफाई किया है कि आया कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो मैं उसको उठा के बाहर भेज दूँगा, और अगर लॉगिन है तो वो यहाँ चला जाता है। अब ये क्या हो रहा है इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दें। बस ये याद रखें कि एक ये कर्नल की फाइल है जो कि इस ऑथ को इन्वॉल्व करती है फॉर लॉगिन ऑथेंटिकेशन। सिर्फ इतनी बात याद रखें। क्या मैंने कहा, इसको रिपीट करें, कर्नल की फाइल जो है लॉगिन ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करती है। हाँ, एक उसमें से एक काम ये है। वैसे तो कर्नल बहुत सारे काम करी, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन की फाइल है वो है तो वैसे ये वाली जो कर्नल में इस्तेमाल हो रही है, जो कि एक मिडिलवेयर है। अच्छा, अब और उसका काम क्या है कि वो लॉगिन को वेरीफाई करे, दैट्स इट। यहाँ तक याद रखें, इससे आगे कोड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं आपको पूरा एक एक कोड इसका खोल के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये कि वो बजाय उसमें, क्योंकि वो हमारे ज़रूरत का नहीं है, लिहाजा मैं इतनी डिटेल में नहीं घुस रहा। बस इसको यूज़ करना है, वो हमने यूज़ कर लिया। तब वापस आता हूँ मैं इस होम कंट्रोलर के ऊपर। अब होम कंट्रोलर पे आने के बाद लॉगिन करते हैं दोबारा से mubashir@test.com और पासवर्ड डालिए। अब मैं लॉगिन करके अपनी इस पेज के ऊपर लैंड कर गया।
ये ऑथेंटिकेशन ने मुझे ये फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी। अब मिसाल के तौर पे अब आप कहें कि जी मुझे अब इससे आगे बढ़ना है, जी मेरा एडमिन पैनल हो गया, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें एक्चुअल नहीं है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है। मिसाल के तौर पे मुझे मैं अभी एक फॉर्म क्रिएट, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसी फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए मैं एक काम ये करने जा रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट ऐड क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक कैटेगरी नई क्रिएट करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास कैटेगरीज थी जो कि यहाँ नेविगेशन में इस्तेमाल होती थी, नेविगेशन में नज़र आती थी मुझे कहाँ पर ये, तो मैं इन कैटेगरीज का मैं इजाफा करने जा रहा हूँ, या मैं कोई नई प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली मैं एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ जो जिसका इम्पैक्ट मेरी फ्रंट वेबसाइट पे आएगा, फ्रंट एंड पे आएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। और मुझे और ज़रूरत इस बात की है कि वही बंदा मेरे रिकॉर्ड पे इसमें इंसर्ट कर सके जो कि लॉगिन हो और रजिस्टर्ड हो मेरी वेबसाइट पे, यानी कि एडमिन हो। ठीक हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं। मैं दोबारा से यहाँ आ गया। अच्छा अब एक तरीका तो कार ये है कि मैं अच्छा इसमें दो तीन तरीके कार लोग इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं आपको दोनों तीनों वेरिएशन बताता हूँ कि उसमें उसके साथ हम करेंगे क्या। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूँ और इसका नाम रख दूँ एडमिन, और जितने भी एडमिन रिलेटेड आ गया आया क्यों नहीं, क्रिएट हो गई, एडमिन यहाँ बन गया वहां। मतलब मैं जितने भी एडमिन रिलेटेड काम है उन सबके कंट्रोलर्स इस फोल्डर के अंदर रख दू। आई बात समझ में? यानी कंट्रोलर्स के अंदर जो एडमिन रिलेटेड कंट्रोलर्स हैं उनको मैं उस फोल्डर के अंदर रख दूं ताकि बाइफर्गेट कर सकूं, डिफरेंशिएट कर सकूं कि कौन से एडमिन के कंट्रोलर्स हैं, कौन से फ्रंट एंड के कंट्रोलर्स हैं, या फ्रंट एंड बैक एंड के नाम का फोल्डर अलग अलग क्रिएट कर दूं कि भाई ये फ्रंट एंड कंट्रोलर्स हैं, ये बैक एंड कंट्रोलर्स हैं, या मैं इसी कंट्रोलर के अंदर ही तमाम कोड को इसी में यही सारे कंट्रोलर रख दूं इसके अंदर, और उसके साथ प्रीफिक्स के तौर पे कुछ लगा लूं, एडमिन या शुरू में लगा लूं। मिसाल के तौर पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूं अगर यहाँ पर कंट्रोलर्स में, बल्कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं पीएचपी आर्टिसन से करता हूँ, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो मैं कहता हूँ एडमिन प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल। क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? तो ये ऑथ का फोल्डर भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक नया एडमिन प्रोडक्ट्स के नाम का एक कंट्रोलर बन गया। तो मैं प्रीफिक्स के तौर पे एडमिन लगा दूँ तो ये मुझे इससे पता चल जाएगा कि जी ये एडमिन रिलेटेड तमाम कंट्रोलर्स हैं, या फिर मैं इस एडमिन के फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर डाल दूँ जो कि मैं बना सकता हूँ, या मैं इसी को मूव कर दूँ वहाँ पर उठा के। तो जो अप्रोच आपको अच्छी लगे आप उस तरह से काम कर लें। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, ठीक है, समझ गया। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने जो बात बताई जी सर आ गई। अच्छा अब
जो अप्रोच आपको बेहतर लगे, आप दोनों अप्रोच, दोनों में से किसी भी एक अप्रोच को अपना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पर जो आपको अच्छा लगे, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने करना क्या है? अब मिसाल के तौर पे अब ये मेरा प्रोडक्ट, एडमिन प्रोडक्ट्स का जो कंट्रोलर है, मैं इसमें एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन लिस्ट से इंडेक्स कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं सिर्फ अभी मेंशन कर रहा हूँ कि मैं लिस्टिंग दिखाऊंगा, लिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ क्रिएट का, यहाँ पे क्या करूँगा मैं क्रिएट का एक फॉर्म दिखाऊंगा, क्रिएट फॉर्म फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ स्टोर का, सेव वैल्यूज सबमिटेड फ्रॉम क्रिएट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और फंक्शन यहाँ क्रिएट करता हूँ एडिट का, ठीक है। इसमें मैं शो करूंगा फॉर्म विद एग्जिस्टिंग वैल्यूज, ठीक है। और जब ये एडिट का फॉर्म सबमिट होगा तो मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दूंगा, अपडेट विद न्यू वैल्यूज। और फाइनली एक और काम रह गया, डिलीट, डिलीट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, डिलीट द रिकॉर्ड। यहाँ स्टोर क्या था? स्टोर था, एक तो देखें क्रिएट का एक फॉर्म दिखाऊंगा, और जब वो क्रिएट का फॉर्म सबमिट होगा तो मैं वो वैल्यूज को सेव करूंगा इस स्टोर के फॉर्म में आके। चाहूँ तो मैं क्रिएट पे भी सबमिट करवा सकता हूँ फॉर्म, लेकिन मैं अलग अलग रखूंगा हर चीज़ को, ठीक है, समझ। ठीक है, और एक मैं एक और बनाता हूँ इंडेक्स में, तो मैं लिस्टिंग दिखा रहा हूँ। अगर मुझे एक सिंगल फॉर्म व्यू प्रोडक्ट देखनी है तो मैं एक व्यू बनाता हूँ, शो वेयर वी आई विल शो द डिटेल्स ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब मैं बारी बारी इन फंक्शंस, यानी कि मेरा जो इंसर्ट अपडेट डिलीट है वो इन फंक्शंस में परफॉर्म हो जाएगा। मैं व्यू नहीं क्रिएट करता क्योंकि व्यू की मुझे नहीं देखना, अगर देखना होगा तो मैं व्यू बना दूंगा, फिलहाल मुझे नहीं देखना, ठीक है। अब मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं ये इंडेक्स के ऊपर लिस्टिंग दिखाता हूँ प्रोडक्ट की। अच्छा, मुझे ये बात, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि क्या ये मुश्किल काम है? नहीं सर, प्रोडक्ट का जो हमारा वो टेबल है अभी तक तो इजी लग रहा है सर। अच्छा, अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, यानी लिस्ट दिखाना आसान काम है। जी बिल्कुल, आप मेरी बात से सहमत इत्तफाक करते हैं? जी सर, बड़ी मेहरबानी आप हजरात की। मैं कोड को पुश कर रहा हूँ गेट के ऊपर, ज़रा लिस्टिंग पेज आप लोग खुद बनाइए, कुछ नहीं करना होगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आपने क्यूरी करनी है, सबसे पहले तो मॉडल को मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। आपने मॉडल को यूज़ करना है, किसका, मॉडल ऑफ प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद आपने क्यूरी करनी है, क्यूरी करें या उसके ORM के फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स आएंगे उसको आपने एक व्यू पे भेजना है, व्यू पे जाके आपने फॉरीच करके उसकी लिस्ट दिखा देनी है। सर होमवर्क दे दें, अभी नहीं करवाएं, टाइम ज़्यादा लगेगा। नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा सर, ये 5 मिनट का काम है।
हार्डली 10 मिनट, कोई मुश्किल नहीं सर ये आप काम, अगर आप प्रीवियस कोड खोलेंगे आपको ये सारा आंसर उसमें उसमें ये चीज मिल जाएगी, आपने कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। मैं इस कोड को पुश कर रहा हूँ, देखिए हाथ के हाथ जो हो जाए ना, देखो जो मिल रहा है उसको ले लिया करें, एक असूल हमेशा याद रखें, जो मिल रहा हो ना उसको उसी वक्त हाथ के हाथ नकद कैश कर लें, जो नहीं मिल रहा उसकी उसकी तगोदो में लगे रहें, लेकिन जो मिल रहा है उसको हाथ के हाथ कैश कर लें। किसी वजह से कह रहा हूँ, आप इसको जरा करें। प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखानी, अच्छे काम कीजिएगा, जरा तमीज़ का एक टेबल बना लीजिएगा जो HTML में बनता है ना, हमारे आता भाई आप लोगों की हेल्प करेंगे टेबल बनाने में, लेकिन उससे पहले ये वाला काम तो आप कर लेंगे, जो टेबल जो HTML CSS ज़रा तरीके से करनी है तो वो आप लोग आपस में डिस्कशन करके इसको करें। प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो प्रोडक्ट नहीं नहीं सिंपल एक प्रोडक्ट का पेज, यानी कि इस एडमिन आपने इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को कॉल करना है, जहां पर आपने प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है। कोशिश कीजिएगा थोड़ी तमीज़ के साथ दिखाएं, तमीज़ से बना दीजिएगा, थोड़ा सा HTML टेबल फॉर्म में ले आए उसको, ना भी आए तो भी खैर है, आप लिस्ट दिखा दें मुझे प्रोडक्ट्स की, ताकि आपका प्रीवियस जो हमारा रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि बीच में एक हफ्ते का गैप भी आया हुआ है हमारे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने हाथ से ज़रा इसको परफॉर्म कर लें। ठीक है नुमान साहब, आतिफ, गफरान, अताउरहमान, वक्कार, ज़रा इसको एग्जीक्यूट करें। अभी हो रहे हैं 3:32, मैं 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग उतनी देर ये काम करें, मैं 3:42 पे वापस आता हूँ, उतनी देर में कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पास से, आप लोग कंटिन्यू रखें। मैं ये और कोड भी पुश कर रहा हूँ, पहले मैं कोड पुश कर देता हूँ, गेट हेड ऑल गेट पासपोर्ट, आज है 12 तारीख, मैं क्या करूँ, व्यू पे भेजना है, बिल्कुल सही, तो मैं रिटर्न करा देता हूँ व्यू, और ओके मैं स्क्रीन बना देता हूँ admin/products/list, इसको ये डेटा पास कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये मैंने व्यू पे भेज दिया, अब मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, व्यूज में एडमिन के नाम का एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, एडमिन, ये मेरे पास क्यों नहीं होता, एडमिन, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर अगेन क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट्स, और इसमें एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, फिलहाल हम इसको भी नाम दे रहा हूँ list.blade.php। चलिए अब हम कहाँ हैं, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर और एडमिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, एडमिन प्रोडक्ट्स और उसके अंदर मेरा व्यू बन गया लिस्ट का,
अच्छा अब मुझे राउट बनाना है, तो राउट में बनाता हूँ किस तरह से, वही पुराना तरीका है। कांगे मेरे पास, कांगे राउट्स वेब। चलिए इसमें मैं आके लिखता हूँ राउट गेट, और मेरे पास कोई हिट करता है एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, तो मैं इसको भेज दूंगा अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर का नाम क्या है मेरे पास, एडमिन प्रोडक्ट्स स्लैश, सॉरी एट द रेट, किस नाम से था फंक्शन, इंडेक्स। ठीक है यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, कोई परेशानी नो सर, क्लियर है। नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए मुझे चाहिए एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है जी यहाँ पर मैं आ गया, पहुँच गया। आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ये वही हमने काम किया जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। अच्छा अब मुझे इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को शो कराना है यहाँ पर, तो मैं इस लिस्ट के ऊपर पहले काम ये करता हूँ कि सबसे पहले करता हूँ एक्सटेंड्स लेआउट्स डॉट ऐप, उसके बाद में कॉपी पेस्ट करना आसान समझता हूँ तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐप हो गई और में सेक्शन कंटेंट, सेक्शन कंटेंट ही है। यहाँ पर आने के बाद एट द रेट फॉर ईच वेरिएबल नेम है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट एंड फॉर ईच, और मैं यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट स्लैश क्या है नेम आई गेस, भी कर लेते हैं बट प्रोबेबली बी आर लगाया फिलहाल। वैसे तो हमें इस पे वो तमीज से कर लेते हैं। चलो एक मैं यूएल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास अगर आप यहाँ गौर करें तो लेआउट को इंक्लूड करने की वजह से मेरे पास ये हेडर आ रहा है, ये मेरी तमाम प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई, और ये मेरे पास ये नेविगेशन। अच्छा यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं होगी, ये तमाम मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। ठीक है एंकर टैग बनाना है तो आपको पता है एंकर टैग किस तरह बनता है, उस डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ तक कोई परेशानी, ये मैंने क्या किया, ये सब क्लियर है। जी सर। अच्छा जी अब सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इस पेज के ऊपर मैं अगर यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग इन अभी मैं नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली इस पेज को हिट करता हूँ, ये प्रोडक्ट सॉरी ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज जो कि एडमिन में मौजूद है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि इस पेज पे बंदा तभी आए जब वो लॉग इन हो, अभी भी आ रहा है विदाउट लॉग इन आ रहा है ना। सर
सर मिडिलवेयर कॉल करवा दें इस पर भी जनाब। इसको रोकने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ पर एक अदद फंक्शन का इजाफा करेंगे जिसका नाम होगा कंस्ट्रक्ट, और मैं इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा, दिस डॉट मिडलवेयर कॉल करूँगा, कौन सी ऑथ दिस, हाँ सिंटैक्स का कोई एरर होना नहीं चाहिए। दूसरे वाले फंक्शन में ये पब्लिक था तो हम भी पब्लिक ही रख लेते हैं इसको। अब मैं दोबारा से इस पेज को हिट करूंगा तो ये इसने मुझे कहाँ भेज दिया कि भैया इस पेज का एक्सेस तुम्हें तब मिलेगा जब तुम लॉग इन होगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं लॉग इन करता हूँ खूबसूरत तरीके से इस पे। पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8। Now I can access my product listing page on admin panel after login. Is it clear? Subhanallah. Bhai wah. Asan? Koi mushkil? Nahi sir, asan. Good ho gaya. Acha, ab main ek sawal aap se ye poochta hoon ki agar mujhe navigation भी एडमिन पैनल की नेविगेशन बनानी है, अब आपके पास एडमिन पैनल का दुनिया भर का कोई भी टेम्पलेट हो आप उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि जो इसका बेसिक जो ये लेआउट है जो इसने खुद से बनाया था ऐप, इसमें आप अपनी एचटीएमएल घुसेड़ सकते हैं, यानी कि मेरा एडमिन पैनल का डिज़ाइन कुछ भी हो। अभी तो फिलहाल बहुत सिंपल सा इसने खुद जो बनाया वो है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना कोई एडमिन पैनल इसके अंदर इंटीग्रेट कर दें, एचटीएमएल ही होगी यकीनन, वो कर सकते हैं, कर तो सकते नहीं, यकीनन कर सकते हैं सर, जैसे टेम्पलेट फ्रंट एंड का ऐड किया था वैसे। जी हाँ जी हाँ, जिस तरह हमने उसका फ्रंट एंड का ऐड किया था उसी पैटर्न के ऊपर ये भी होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कंपनी की मशहूरी के लिए एक लिंक बना लेता हूँ ताकि हमें बार बार घूम फिर के ना आना पड़े लॉग इन करने के बाद। मैं यहाँ पर एक एल आई क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ नाम दे देते हैं हम प्रोडक्ट्स का, और इस पे हम एक एंकर टैग भी लगा देते हैं, ए अशरफ अशरफ भाई के अंदर। अच्छा, अब एचरफ में दे देना है ये वाला, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूं, क्या लिखूं मुझे भेज, मुझे इस पेज पे भेजना है, क्या लिखूं अताउर रहमान, हमने पहले काम ये किया हुआ है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे एचआरएफ में, जल्दी बता दो देखिए। अच्छा सर, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके लिए हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं आपको दोनों तीनों चारों तरीके बता देता हूँ। सर कोई बेस वेरिएबल होगा ना सर्वर डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए? बिल्कुल है, यूआरएल का एक अदद हमारे पास हेल्पर मौजूद है ये, अब देखें इसके अंदर आप डायरेक्टली यूआरएल भी दे सकते हैं एक्शन से। देखें एक तरीका यह है, ज़रा इस बात को गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, एक तरीका तो ये कि मैं डायरेक्ट कंट्रोलर का एक्शन दे दूं, कौन सा कि जी जब इस पर क्लिक हो
तो इसने इसको हिट करना है, इस कंट्रोलर के इस इंडेक्स को हिट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका यह है कि मैं उसको राउट बता दूं कि जब इस पे क्लिक हो तो राउट, इसका राउट नेम। अब राउट नेम मैंने कहाँ डिफाइन किया है? मैंने राउट डिफाइन किया है यहाँ पर। या तो मैं इस राउट से इसको पकड़ लूँ, जब ये इस राउट पे हिट करेगा तो उसको पता है कि इस राउट से मुझे इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को कॉल करना है। यानी राउट से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली आप उस कंट्रोलर के एक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। एक एक तरीका, दो तरीके तो ये हैं। एक तरीका आपके पास और है, वो भी मैं बता देता हूँ। कहाँ गए? सर्च कहाँ गया हमारे पास? ये हेल्पर्स हैं हमारे पास बहुत सारे, यूआरएल। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में काम किया था, अगर आपको याद हो, यूआरएल का मैंने फंक्शन यूज किया था। अभी हमने शुरू में भी देखा था कहाँ पर, वो जो मैंने डिटेल पेज पे बनाया था प्रोडक्ट का। किधर गया वो पेज? डिटेल पेज कहाँ गया? प्रोडक्ट्स में था, सॉरी। ये जो मैंने यूआरएल का फंक्शन यूज किया था, याद है? अभी थोड़ी देर पे हमने पिछली क्लास में भी किया था, उससे पहले भी शायद हमने इस्तेमाल किया था, एसेट के लिए किया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये यूआरएल आपको पब्लिक तक का यूआरएल दे देता है, यानी पब्लिक तक का ये बेस यूआरएल पब्लिक तक दे देगा, उसके आगे आप जो चाहे जोड़ लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं दोनों तीनों तरीके लिख देता हूँ। लिखता हूँ यूआरएल और मुझे उसके बाद इसको भेजना है कहाँ पर? एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। अपने पेज के ऊपर आता हूँ और यहाँ आने के बाद, सॉरी कहाँ गया, इस पेज पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट और इसका पेज देखें, एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो भी इसी पेज पे मौजूद हूँ। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप इसको राउट से भी पकड़ सकते हैं। मैं इसकी बजाय यहाँ पर राउट डिफाइन करके उस तरह से उठा लूँ। तो दोनों तीनों चारों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल। जी, उसके कंट्रोलर पे, क्योंकि देखो ये राउट है ना, पब्लिक तक का है, उसके अंदर एडमिन और प्रोडक्ट मैंने आगे से जोड़ दिया। ठीक है, और जब इस पेज को हिट होगा तो इसका मतलब ये है कि इस ये अपने राउट को ढूंढेगा और इस राउट को पता है कि मुझे किस पेज पे जाना है, तो ये यहाँ से डाइवर्ट होके अपने पेज पे पहुंच जाएगा। आगे बस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? जी सर। गुड, हो गया। चले, हम कहाँ थे? लिस्ट डॉट ब्लेड पे। अच्छा जी, मैं अपने इस सेक्शन के अंदर अब मैं एक ये बनाता हूँ एंकर। क्लास देते हैं शायद, आई होप कि मेरे पास एक क्लास अवेलेबल होगी। और मैं करता हूँ ऐड न्यू। लेफ्ट राइट जहाँ भी है अभी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इसने क्लास बटन, मेरे पास लेआउट में जो सीएसएस है, अताउर रहमान साहब जरा जल्दी से कोई अच्छी सी सीएसएस बताएं, मैंने इसको बटन बनाना है। बूटस्ट्रैप मेरे पास अवेलेबल है, app.css, app.css। सर बूटस्ट्रैप पीटीएन बीटीएन होता है? लेट बीटीएन होता है, हाँ बीटीएन, बीटीएन। सॉरी 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 जनाब जनाब जनाब, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी।
ब्लू कलर का बटन आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक बटन आ गया खूबसूरत सा, जिस पे मैं क्लिक करके ऐड न्यू प्रोडक्ट करूंगा। इज इट क्लियर? मतलब ये एक मैंने सिंपल बटन बनाया। अभी मैं इसकी कोई बहुत डिटेल अलाइनमेंट वलाइनमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। जी सर, क्लियर। अच्छा जी, अब मुझे इसको एचरफ देना है। अगेन एचरफ क्या दूं भाई मैं इसको? अब मैंने इसको भेजना है प्रोडक्ट ऐड पे। सर यूआरएल का फंक्शन कर दो जनाब। सर स्क्रीन रुक गया आपकी, आवाज भी नहीं। आ रही है नजर? जी सर रुक गई थी। आ रही आवाज? जी सर आ रही है। तस्वीर भी आ रही है सर? तस्वीर आप कुछ लिख रहे हैं क्रिएट पर रुकी हुई। हाँ आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसको यूआरएल दे दिया। अच्छा, अब ये मेरे पास अभी फिलहाल ये राउट मौजूद नहीं है, तो मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ फौरन से। मैं कहता हूँ जब ये राउट हिट हो तो ये चला जाए एडमिन कंट्रोलर के क्रिएट पे। जहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, अब मेरे पास ये क्रिएट का फंक्शन, मैं पहले चेक कर लूं कि आया कि मैं यहां पहुंच भी रहा हूं या नहीं। तो मैं टेस्टिंग के लिए क्रिएट फॉर्म एक सिंपल टेक्स्ट लिख देता हूं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एड क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट फॉर्म, यानी कि ये कंट्रोलर हिट हो गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एक रिटर्न व्यू कराता हूँ। व्यू मैं कहता हूँ कौन सा, एडमिन स्लैश प्रोडक्ट और उसके बाद क्रिएट। ठीक है, इस पर मुझे कोई डेटा पास करना नहीं है, लिहाजा सिर्फ एक व्यू यहाँ से मैं भेज दूंगा। अच्छा, आसानी के लिए मैं करता ही हूँ इस फॉर्म जो क्रिएट का फॉर्म है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट और इकॉम रिसोर्सेज व्यूज एडमिन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं इस पेज को हिट करूँगा तो मेरे पास ये एक रेडीमेड फॉर्म जो पहले लारावेल का ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब मुझे इसकी फील्ड चेंज करनी है। आई होप कि फील्ड्स और फील्ड का नाम चेंज करना इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, मैं फटाफट से इस एचटीएमएल को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दो तीन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं इस रजिस्ट्रेशन की जगह कर देता हूँ इसको क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा जी, उसके बाद मेन जो काम है वो यहाँ पर ये है कि इसने फॉर्म जो क्रिएट किया यहाँ पे मेथड यूज किया इसने पोस्ट। एक्शन के अंदर अब देखिए, यहाँ पर इसने एक्शन में राउट रजिस्टर लिखा, हम यूआरएल दे रहे हैं, इसने यहाँ पे राउट दे दिया। अच्छा, मेरे पास अब राउट फिलहाल क्रिएट का नहीं, सॉरी स्टोर करने का नहीं है। मैं इसको राउट दे देता हूँ एडमिन, अभी बना देता हूँ, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं हम सब जगह, प्रोडक्ट लिख रहे हैं।
प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स स्लैश स्टोर, ठीक है, यानी कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये किस पेज पे जाएगा, स्टोर के, जो कि अभी मौजूद नहीं है, मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि ये पेज हमें परेशान ना करे। और यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने एक्शन दे दिया, अब देखें हम यूआरएल से दे रहे थे, अब आप ये क्या करेगा, ये राउट से पकड़ेगा कि मुझे अब इसको कहाँ भेजना है, ये भी ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इस दोनों से काम सेम ही होगा। अच्छा, मेन चीज, अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म क्रिएट करने के फौरी बाद आपको एक अदद हेल्पर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, csrf_field। ये क्या करती है, एक हिडन फील्ड क्रिएट करती है और उसके अंदर एक टोकन वैल्यू ऐड करती है, उसका नाम रखती है वो टोकन, और उसके साथ एक है एक बड़ा सा स्ट्रिंग बनाती है, मैं खाली 32 या 34 करेक्टर्स का। मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, किधर है हमारे पास ये फॉर्म है। अब देखिए, इसने एक इनपुट हिडन फील्ड बनाई है, उसका नाम रखा है टोकन, नज़र आ रहा है आप लोगों को, जेरा, ठीक है। ये जो फील्ड बनाई है ये इस csrf फील्ड ने बनाई है। आप जब भी फॉर्म पोस्टिंग करेंगे हमेशा याद रखिएगा आपको ये फील्ड लाजमी क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना ये फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं होगा। लारावेल क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी रिलेटेड एक फील्ड है जो कि आपको अपने फॉर्म के अंदर लाजमी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद हमें करना क्या है, ये किसने एरर क्लास यूज की है, ठीक है, कहाँ से आई, अभी हम इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे फील्ड का नाम चेंज करना है। अच्छा, हमारे पास अब प्रोडक्ट की जो फील्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, हम देख लेते हैं। नेम है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है और क्वांटिटी है, SKU है। नेम जी, हम इसको नेम ही रहने देते हैं। उसके बाद ईमेल नहीं है, मैं इस फील्ड को उड़ा देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, मैं करता हूँ वर्ड ड्रैप कर देता हूँ उसको, ताकि थोड़ा सा मेरे पास विजुलाइजेशन सही हो जाए। किधर से किधर तक, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आसानी के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ SKU दे दो, इनपुट। SKU क्या होता है, SKU होता है स्टॉक समथिंग करके कुछ होता है, SKU मीनिंग स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट, एक नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, एक यूनिक SKU नंबर होता है। उसके बाद ID हम देते हैं SKU, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ओल्ड, फोकस है, उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए।
ऊपर रह गया SKU। क्यों? तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता चल रहा। नहीं, सर अपने लिए क्यों मैच क्रिएट कर रहे हैं? सर एक एक फॉर्म में 150-150 फील्ड होती हैं और एक ही व्यू पे ही रखी जाती हैं। सर ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। चलिए हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। आखिर में क्या डालना है हमें? दोबारा से कॉपी पेस्ट और उसके बाद है इसकी प्राइस थी, अमाउंट क्या था, फील्ड का नाम रेगुलर प्राइस, हम रेगुलर प्राइस लिख लेते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इसको प्राइस ही कर रहे हैं। ये तीनों चारों फील्ड हमारे पास बन गई। उसके बाद मैं जो पुरानी फील्ड थी इनको रिमूव कर देता हूँ। सबमिट की जगह हम कर देते हैं, रजिस्टर की जगह कर देते हैं सेफ। चलिए हमारे पास ये पेज जो है वो किसी वजह से नहीं चला। क्यों नहीं चला अभी देख लेते हैं। ये कह रहा है राउट एडमिन स्टोर नॉट डिफाइन प्रोडक्ट्स, ये वाला इसको राउट नहीं मिला। राउट हमने क्रिएट कर दिया था प्रोडक्ट्स स्टोर, हमने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स स्टोर से नहीं मेरा नहीं सर। हम इतनी फटीक में नहीं पढ़ते, हमारे पास टाइम नहीं है। URL यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ जो काबिले गौर है वो सिर्फ आप तवज्जो से सुन लें। मैं जरा पहले इसका व्यू सोर्स करता हूँ। मैंने इसका व्यू सोर्स किया है। सबसे पहले हम फॉर्म के टैग पे चलते हैं। जब ये सबमिट हो रहा है एक्शन, इसने ये एक्शन लिख लिया। उसके बाद एक इनपुट हिडन फील्ड बना दी जिसका नाम रख दिया इसने टोकन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने, आपको पता है कि जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है, ये बात हमने पहले भी की थी, जब कोई फॉर्म सबमिट होता है तो जो हमने फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए यानी जो फील्ड्स क्रिएट किए उनका जो नाम होता है उस नाम से हमें वैल्यू रिसीव होती है। कहाँ पर? एक्शन वाले पेज पे। बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात में सब इत्तफाक करते हैं।
गुफरान साहब, नुमान। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक काम ये किया है कि मेरे पास डेटाबेस के अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन एसकेयू तीन फील्ड्स तो मैंने उसी नाम पे रख दिए, लेकिन मैंने प्राइस को चेंज करके, मतलब यहाँ रेगुलर प्राइस है, मैंने वहाँ पर सिर्फ प्राइस ले लिया है। तो यानी कि जब ये मुझे फील्ड सबमिट होके फॉर्म पे मिलेगी तो उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? प्राइस, ना के रेगुलर प्राइस। ऐसे ही होगा सर? मैंने कहा अब, अच्छा चले हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को रिसीव करते हैं। मैं स्टोर के पेज पे आता हूँ। अब मुझे स्टोर के पेज पे जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो अब फॉर्म की वैल्यूज मुझे किस तरह से मिलेंगी? दो तरीके, एक तो नाम से मिलेगा ना। हाँ एग्जैक्टली। देखिए अब फॉर्म में जो वैल्यूज मुझे रिसीव होंगी, सॉरी इस फंक्शन पे जो वैल्यूज रिसीव होंगी उसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकता, मतलब रिसीव कर सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास वही पुराना तरीका है कि मैं, क्योंकि मैंने मेथड यूज किया है पोस्ट का, तो मुझे तमाम वैल्यूज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में मिल जाएंगी। ऐसे ही होगा ना सर? जी सर, डॉलर अंडरस्कोर। तो हम इसकी, इसको चेक करते हैं कि आया के वैल्यूज मुझे पोस्ट में मिल रही है। मैंने नाम रखा प्रोडक्ट का, लेट सपोज आईफोन एक्स एस के यू 1 2 3 4 5 6, डिस्क्रिप्शन 64 GB और सिल्वर 64 GB, प्राइस में रख देता हूँ 1000 फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा जी, अब ये फिर मेरे पास फट गया। क्यों फटा? आप बताएं। देखिए एरर पढ़ के थोड़ा सा जजमेंट करेंगे ये क्यों आया, जिस तरह मैं करूंगा। उसमें कुछ मिला नहीं। रिटर्न हेलो, ठीक है, नहीं मिला। क्यों? एडमिन प्रोडक्ट्स हमने राउट नहीं दिया। एडमिन प्रोडक्ट्स स्टोर, एडमिन प्रोडक्ट स्टोर ये कहाँ पर गया? स्टोर के फंक्शन, एडमिन प्रोडक्ट स्टोर, सब कुछ तो सही है। अब बताएं क्यों नहीं चला सर? HTTP एक्सेप्शन क्या चीज है? चलिए, मेरे लिए भी नई चीज है ये। जनाब समझ में आ गया? समझाए। अच्छा जी, बता रहा सर, मैं बता रहा। अच्छा जी, अब हम, हाँ अब इसको जरा गौर से समझ लें। हाँ मैं भूल गया था इसको बताना। देखिए हमारे पास, हमने अभी तक जो राउट लिखे हैं वो राउट लिखे हैं राउट गेट। अच्छा ये जो गेट लिखा है, अभी तक हमने सिर्फ गेट गेट लिखा है, इसके अलावा गेट के अलावा भी मैं कुछ लिख सकता हूँ? आप और अल्लाह जानते हैं। नहीं नहीं, आप भी जान जाएंगे वकार साहब। अल्लाह जानता है। नहीं, जिसने बनाया वो भी जानता है। वकार साहब कुछ और लिखा जा सकता है?
आप जरा अपनी मेमोरी रिकॉल करें। अच्छा क्यों अच्छा अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज है। एक मिनट हम चलते हैं राउटिंग पे। अच्छा जी हमें चलना पड़ेगा गेट। अच्छा एक मिनट रुकिए भाई, कोई साहब कॉल पे कॉल करें, एक मिनट होल्ड कीजिएगा भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी बिजी, एक घंटे तक ठीक है। अच्छा जी हम जब राउट लिखते हैं, देखें एक राउट तो है गेट। अब जरा इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा, गेट हम तब तब इस्तेमाल करेंगे जब हम सिंपल एक व्यू की तरफ जाएंगे या व्यू लोड कराने की तरफ जाएंगे ठीक है। लेकिन जब कोई फॉर्म सबमिट होता है तो अब देखें सबमिट होने पे दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं ठीक है। या तो आप डेटा पोस्ट करेंगे जो कि एक नया क्रिएट हो रहा होगा, एक कहने का मकसद ये कि एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा ठीक है। दूसरा फॉर्म सबमिट तब हम करेंगे जब हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होंगे ठीक है। दो काम होंगे, या तो हम क्रिएट कर रहे होंगे फॉर्म सबमिशन के ऊपर हमारा नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा, या फॉर्म सबमिशन के ऊपर हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होगा। जब हम फॉर्म क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे तो हम राउट पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, गेट इस्तेमाल नहीं करते ठीक है। तो मैं अगर इसको गेट की जगह पोस्ट कर दूंगा इट वर्क्स। और जब हम अपडेट, ये अगली बात भी मैं अभी बता दूं, जब हम अपडेट करेंगे तो हम वहां पर पैच का मेथड यूज करेंगे, वहां पर पोस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। और जब हम कोई डिलीट कर रहे होंगे तो हम राउट डिलीट का लिखेंगे। आगे बात समझ में? यस सर आ गई, बाकी दो रह गए वो भी बता। पुट और ऑप्शन को छोड़ दें, बता दूंगा सबर करें। अभी फिलहाल एक पोस्ट को देख लेते हैं। अब मैं इस फॉर्म को पोस्ट करता हूं दोबारा से, बल्कि हमें मेरे ख्याल है ये दोबारा पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, इधर रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम दोबारा से लिखते हैं आईफोन एक्स 1 2 3 4 5 6 सिल्वर 64 GB प्राइस 1000। हम आ गए हेलो पे, आ गए। मुबारक हो। अच्छा जी अब हम हेलो पे आने के बाद वही कोड पहले दोबारा से लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था। वैल्यूज मिल गई। अच्छा अब मैं कहता हूं कि मैंने पोस्ट यूज नहीं करना, पोस्ट अगर यूज किया तो आप पत्थर के हो जाएंगे ठीक है। अब हम पोस्ट यूज ना करें तो फिर क्या यूज करें? गेट भी नहीं यूज करना ना पोस्ट यूज करना है। अच्छा मैं आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए हम जितने भी आज तक हमने बचपन से लेकर आज तक जितने कंट्रोलर्स बनाए उसमें एक डिफॉल्ट में एक ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो रहा है ये रिक्वेस्ट क्यों इस बिला वजह क्यों आ रहा है? हमने अभी तक इसको यूज क्यों नहीं किया? इसको भगा देना, भगाना नहीं है, ये करामत चीज है, इसको भगाए नहीं।
उसको हम यूज करते हैं अब. रिक्वेस्ट ऑल शुरू हो गया. अच्छा जी सॉरी शुरू हो गया अगर तो अच्छा जी क्या कह रहे हैं नॉन स्टैटिक मेथड शुड नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक स्टिकली. अच्छा एक मिनट रुक जाए सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं. आपके पास डेटा आ गया इस तरह से डी 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 वो ये प्रिंट आ रहा है डीबगिंग यहाँ पे ऑल पीएचपी मतलब समझा नहीं. नहीं 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 फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क का सर. सर रिक्वेस्ट तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ना ऑलरेडी पीएचपी में. ये वो वाला ये डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट नहीं है सर. अच्छा ठीक ठीक. अब हम जब भी अपनी वैल्यूज को फॉर्म की वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे तो हम ये रिक्वेस्ट के मेथड को मतलब ये रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे. उसकी वजह ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी चेक्स हैं आपके पास एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना हो आपके पास डेटा फिल्टर्ड होके ट्रिम होके विदाउट वाइट स्पेसेस स्पेसेस वो तमाम चीज़ें कांट छांट करके ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली तमाम फील्ड्स को फिल्टर करके उन तमाम चीज़ों से आपको साफ सुथरा तमीज के साथ डेटा देता है. ऑल दो वही डेटा देता है जो इनपुट में आया लेकिन अगर उसके अंदर कोई शख्स आके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको वो वहीं पे फिल्टर आउट कर देता है साफ कर देता है. ये बात क्लियर हो गई. तो लिहाजा जब भी हम डेटा फॉर्म से पुल करेंगे रिसीव करेंगे तो हम इस रिक्वेस्ट के मेथड को इस्तेमाल करेंगे. वो पहले जब हम कर रहे थे तो वो कहता भाई स्टैटिकली कॉल मत करो तो हम इसको एज अ पैरामीटर इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने फंक्शन के अंदर उसको पास कर दें और उस रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट ऑल या फिर अगर आपको सिंपल एक फील्ड उठानी है तो रिक्वेस्ट गेट और उसके बाद अब आप एक फील्ड भी उठा सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ नेम उठाना है तो गेट नेम तो सिर्फ एक फील्ड ही आपको रिटर्न कर देगा. अगर चेक करना चाहें तो ये देख लें. क्लियर हो गई बात? यस सर. अच्छा अब आखिरी स्टेप पे मुझे क्या काम करना है? मुझे काम ही करना है बल्कि मैं इसको लिखे रहने देता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए सेव है. अब मुझे करना ये है कि इस पोस्टेड डेटा को उठाकर अपने पास डेटाबेस में सेव करना है. लेकिन उस सेव करने से पहले मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि मैं उस फील्ड का नाम प्राइस से रेगुलर प्राइस कर दूँ. उसको भी नहीं एलियास पे एलियास यूज नहीं करेंगे. अच्छा जी अब मैं यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट मॉडल ऑलरेडी मौजूद है करूँगा क्या इसके भी इसको करने के भी दो तीन दो तरीके हैं लेकिन एक जो बेहतर तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ. एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें किसका प्रोडक्ट मॉडल का
नंबर एक। उसके बाद उसके बाद क्या करें, इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट पे आप की रखें और उस की का नाम होगा नेम, और आपके पास जो पोस्टेड डेटा है, नहीं अब मैंने उसमें सेव कर लिया ना, इसमें एरे में भी मेरे पास एसोसिएटिव एरे है, नेम ही है। उसके बाद है प्रोडक्ट SKU, मेरे पास भी है SKU। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, मेरे पास भी है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या था, रेगुलर प्राइस, पोस्टेड डेटा में मिला है मुझे प्राइस, ये चारों फील्ड्स मैंने सेट कर ली। उसके बाद प्रोडक्ट सेव, तो जिसका हमें चेंज करना था सिर्फ उसको नहीं भेज सकते हैं। बाकी का क्या करोगे, सिर्फ एक वैल्यू जाएगी। फिर तरीके बहुत सारे हैं, अभी आसान 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 काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं क्या करूं, मैं अभी फिलहाल सिर्फ यहां से एक मैसेज सेव कर वो कर देता हूं, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, जस्ट एक रिटर्न कराएंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। क्या फरमाते हैं ये, नहीं वो पढ़े, अननोन कॉलम अपडेटेड एट, उसने कहा कि जी अपडेटेड एट का कॉलम मुझे मिला नहीं, मैंने तो अपडेटेड कहीं लिखा ही नहीं, उसको बताया ही नहीं मैंने कि भाई अपडेटेड नाम की भी कोई चीज मेरे पास टेबल में है। सर वहां पर जो उसे फील्ड थी वो उनके में भी डेटा तो नहीं मांग रहा। अच्छा मेरे पास नहीं, मेरे पास अपडेटेड की फील्ड ही नहीं है, मेरे पास तो ये चार पांच फील्ड्स हैं। अब क्या किया जाए, जल्दी से बताएं, जल्दी से सोच के तुक्का लगाएं। मुसलमान वापस जाएंगे, वापस कोड पे जाऊं, कोड सही है जोड़ ली, जबकि मैंने इसको कहा नहीं, वैल्यूज भी सही जा रही है। वो कह रहा है अपडेटेड और क्रिएटेड एड की फील्ड्स नहीं मिली, या तो अब देखें इसके दो तरीके हैं, या तो मैं ये दोनों फील्ड्स क्रिएट कर दूं ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथली हो जाए। सर होनी भी चाहिए ये फील्ड्स। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फील्ड्स नहीं है, मैंने कहा भाई मुझे ये फील्ड्स चाहिए नहीं कि मैं क्यों बिरा बजा रखूं, अव्वल तो होनी चाहिए, लेकिन लेट सपोज आपके पास सिनेरियो आप क्रिएट कर देंगे ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे क्रिएट ही नहीं करनी, अब क्या करूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप जाएंगे अपने उस मॉडल की तरफ जिस मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह आपको याद था, याद होगा यकीनन, कि हमने एक प्रोटेक्टेड टेबल के नाम की फील्ड बनाई थी और प्राइमरी की डिफाइन की थी, याद है। इसी तरह से हम एक नई फील्ड का इजाफा कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड, और मैं इसको कहता हूँ फिलेबल। और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ कि
जो फील्ड्स इस टेबल की मुझे फिलेबल हैं, जो फील्ड्स होंगी बस उन्हीं फील्ड्स की बात करो, इसके अलावा फालतू पंचायत मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक फिलेबल की फील्ड यहाँ डिफाइन कर दी और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये क्यों नहीं चला, ये चल जाना चाहिए था, नहीं चला, हमने प्रोडक्ट मॉडल ही यूज़ किया ना। हाँ सही, तो अब क्या मसला है भैया, अब ये मुझे भी नहीं पता क्यों आया, ये हट जाना चाहिए था। अच्छा हम इस टाइम फॉल्स कर दें, देखते हैं अब चलता है जल्द। हाँ ठीक, हाँ हाँ मैं समझ गया, डज नॉट, अच्छा वो हमने वो उसकी वो रखी हुई है क्या नाम है उसको वो रखा हुआ है इस फील्ड को कि ये नल नहीं जाएगा प्रोडक्ट स्टेटस ना, तो हम यहाँ से आते हैं, ये वाली फील्ड जो है ना वो हमने डेटाबेस क्रिएट करते हुए रखा था कि इसकी वैल्यू नल नहीं जाएगी, तो मैं इसकी वैल्यू डिफॉल्ट में 1 रख देता हूँ और इस प्रोडक्ट स्टेटस आईडी को मुझे यहाँ फिलेबल में भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। टाइम स्टैम्प मैंने क्या दो काम किए, एक तो फिलेबल फील्ड्स बताइए ये लाजमी बतानी पड़ेंगे आपको, और दूसरा टाइम स्टैम्प कि भाई मेरे इस टेबल में क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की फील्ड्स नहीं है, तो ये टाइम स्टैम्प का एक और आपको वेरिएबल यहाँ फॉल्स डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ट्रू कर देंगे तो हर दफ़ा वो बोलेगा भाई रिकॉर्ड अपडेट करो, रिकॉर्ड अपडेट वो अपडेटेड और क्रिएटेड एड की फील्ड्स दो। अब हम डेटाबेस में चेक करते हैं, हाँ हर टेबल में मांगेगा बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एस के यू की, सर आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो। ठीक है जी, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया यहाँ तक, पिक्चर क्लियर, यहाँ तक कोई सवाल, कोड क्लियर है। जी अब हम वापस चलते हैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में और मुझे करना है रीडायरेक्ट। अभी भेजा था मैंने वेब,
रिडायरेक्ट करना है, ये क्यों नहीं रिडायरेक्ट हुआ भाईजान? अच्छा दिस डॉट डी रिडायरेक्ट नहीं है, सिंपली रिडायरेक्ट है। तो जी अब हम रिकॉर्ड अपना सेव करके वापस आ गए अपनी लिस्टिंग पेज पे। तो फाइनली आपको आखिरी काम ये करना होगा कि इस पेज को रीडायरेक्ट कर देंगे इस यूआरएल के ऊपर, जब सेव हो जाएगा। मैसेज भी दिखाना है सर? हाँ मैसेज दिखाना है, तो मैसेज आप इसके साथ भेज दें विथ, और आप इसका स्टेटस दे दें, कोई भी नाम रख दें, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, और आपका जो लिस्टिंग पेज था कहाँ गया? यहाँ पर, यहाँ पर आप फ्लैश मैसेज उठाएंगे इस तरह से, एट द रेट इफ फ्लैश सेशन फ्लैश आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेशन अंडरस्कोर फ्लैश स्टेटस इस सेट, तो आप इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। एक मिनट, मैं इस फंक्शन को चेक कर लूँ कि सेशन फ्लैश जो है, अच्छा सेशन फ्लैश नहीं, सेशन स्टेटस ही है, सिंपल सेशन है, फ्लैश नहीं है। स्टेटस हम बल्कि इसी को कॉपी कर लेते ना, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। वापस आते हैं इस पेज पे, एक और रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। अब की दफा हम कोई नई प्रोडक्ट रखते हैं, लिनोवो आइडिया पैड 310 SKU 987654। इंस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हम 1 lorem ipsum, चलें 2000 रुपये इसकी प्राइस रखते हैं, सेव कर देते हैं। तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और ये आपके पास लिस्टिंग में भी आ गया। ठीक हो गया सर यहाँ तक? जी सर। कोई सवाल? अच्छा अब देखिए मैं दोबारा से पेज पे आता हूँ। अब वो मैसेज, क्योंकि वो फ्लैश मैसेज था तो वो एक ही दफ़ा नज़र आएगा, बार बार नज़र नहीं आएगा। क्या चीज़? मैंने इसको किया ये है कि मैंने रीडायरेक्ट कर दिया अपने पेज, सेव करने के बाद पेज को रीडायरेक्ट कर दिया इस पेज के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर एडमिन प्रोडक्ट्स, और उसके साथ मैंने एक फ्लैश मैसेज लगा दिया विद स्टेटस रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो उस मैसेज को वहां पर जाके सिंपली प्रिंट करा लिया कि जी अगर वो सेशन में स्टेटस वैल्यू मौजूद है तो वो प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो मत दिखा। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा अब हमारे पास एक काम रह गया कि हमने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट कैसे करना है। या डिलीट, और डिलीट कैसे करना है? लिस्टिंग हमारे पास आ रही है, ये लिस्टिंग है, ऐड न्यू हमने देख लिया। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे इसी को बोलूं कि एग्जिस्टिंग किसी रिकॉर्ड को मुझे एडिट करना है, तो एडिट में क्या होगा? मैं इस सबसे पहला काम इसको एंकर लिंक बनाऊंगा, उसके बाद फॉर्म, वही फॉर्म ओपन होगा जो हमारा क्रिएट का फॉर्म है, लेकिन उसमें
एग्जिस्टिंग वैल्यूज पॉपुलेट हो रही होंगी, उसके बाद मैं वैल्यूज में चेंज करके अपडेट करूंगा तो वो रिकॉर्ड अपडेट होके दोबारा इसी लिस्टिंग पेज पे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। आईडी जी हाँ, आईडी उठा के रुमान गुफरान अताउ रहमान, ये बात क्लियर जो मैं कह रहा हूँ एडिट की? यस सर, आईडी उठाती होगा आई गेस। आपका होमवर्क ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास तक इस एडिट के फॉर्म को खुद से क्रिएट करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ओके सर। और आई होप कुछ मुश्किल नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोड आपके सामने है, कोड आपको मिल जाएगा। आप इसका एडिट के फॉर्म को खुद से क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ये देखूंगा कि एडिट का फॉर्म आप लोगों ने क्रिएट कर लिया इंडिविजुअली सबके पास, और उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज फॉर्म के अंदर रह गई है जो हमने अभी नहीं की, वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एडिट का फॉर्म देखूंगा। वो क्या चीज नहीं मैंने बताई? फॉर्म की वैलिडेशन। अगर कोई ब्लैंक सबमिट कर दे इस फॉर्म को, मिसाल के तौर पर नेम ना दे मैं नेम देता हूँ ABC, हम SKU नहीं देते, डिस्क्रिप्शन नहीं देते, प्राइस नहीं देते, मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, तो फिर ये HTML की वजह से इसने रोका है मुझे, मैं HTML में से वो रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड ऑटो फोकस। ये तो बहुत सिंपल वाली चीज़ है। दोबारा से पेज को रिफ्रेश करते हैं ABC और मैं इसको सबमिट करता हूं। तो ये पेज फट गया, वजह उसकी कि उसको वैल्यूज नहीं मिली। अव्वल तो ये पेज फटना ही नहीं चाहिए था, उसको यहां पर मुझे एक एरर देना चाहिए था कि जी आपने फॉर्म की वैल्यूज जो है वो सबमिट नहीं की, ठीक है, बजाय इसके कि ये पेज आपका इस तरह से एरर शो करता। तो वो जो वैलिडेशन है, फॉर्म वैलिडेशन, वो किस तरह से होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास तक आपने एडिट का फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है सर, तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ। जी जी पूछे पूछे। देखिए उसमें होगा ये, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि देखिए पहला काम तो ये होगा कि आप उसका रिकॉर्ड पहले इंसर्ट करेंगे। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे, इसके बाद आपको इंसर्टेड आईडी मिल जाएगी। इंसर्टेड उसका फंक्शन आई गेस यही है। अच्छा, इसको भी हम वेरीफाई कंफर्म कर लेते हैं। इंसर्टेड इंसर्टेड आईडी किस तरह ला रहा भाई, इंसर्टेड इसको उठाते हैं हम। हाँ, सिंपल आईडी, सिंपल आप ऐसे नहीं आएगा हमारे वाले केस में। हाँ, सिंपल प्रोडक्ट आपको आईडी मिल जाएगी, जो भी लास्ट रिकॉर्ड अपडेट हुआ है ये आपकी प्रोडक्ट आईडी होगी, जो लास्ट रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। बात समझ आ रही? ठीक है, इसके बाद अच्छा अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब मिसाल के तौर पर आपने इमेजेस ऐड करनी है ना, तो अब आप उसी तरह से प्रोडक्ट इमेजेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
प्रोडक्ट इमेज मॉडल, उसके बाद जो इमेजेस आई होंगी उन इमेजेस को इस प्रोडक्ट आईडी की बेस पर ले जाके उस टेबल में सेव कर देंगे। उसी तरह से वैल्यू जो आपको वैल्यूज मिली होंगी उन वैल्यूज को लेंगे और वो ले जाकर सेव कर देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रोडक्ट आईडी। आई बात समझ में? नहीं, यही सेम सर, यही सिंटैक्स होगा जो हमने यहाँ लिखा, यही सेम सिंटैक्स होगा और यहाँ कॉपी पेस्ट होगा। नहीं नहीं सर, वो आपको पूरा डेटा मिलेगा इमेजेस, आप जब रिलेशन बना हुआ होगा, बल्कि हमने किया भी है ये काम। भाई 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 की 10 अलग अलग इमेजेस हैं, ये बात कर रहे हैं। सर वो एक वो क्या कहते हैं वो एक गोली जिस तरह चलेगी सर, 10 गोलियां भी उसी तरह चलेंगी। सर उसके अंदर होगा क्या, मैं आप अच्छे तरह मैं उसका सेंटेक्स बता देता हूँ आपको। जिस तरह रिलेशन मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, तो मैंने जहां पर किया है ना प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर मैं एग्जैक्ट सेंटेक्स ऑल, इसके बाद आप जो हमारे पास इमेजेस का था, इमेजेस ऑल प्रोडक्ट मॉडल लग गई है, तो ये रिलेटिवली हर प्रोडक्ट की इमेजेस खुद से रिलेशन बना के उसके साथ डेटा बाइंड करके आपको दे देगा। आपको ये सिंटैक्स लिखना है। अगर मैं उस पुराने वाले मॉडल में जाता हूँ प्रोडक्ट्स के, जहाँ पे हमने इमेजेस उठाई थी, तो मैंने एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से उठाया ना, एक प्रोडक्ट की इमेजेस उठा रहा है ना, आप यही पूछ रहे हो ना। अब जहां पर मैंने तमाम प्रोडक्ट्स उठाई है लिस्ट, तो यहां पर भी आप सिंपली इसके साथ इमेजेस का इजाफा कर देंगे, जो भी यहां पे ये फंक्शन का नाम है इमेजेस, यही चीज, तो ये रेलिवेंटली खुद ही इमेजेस उठा के ला देगा आपको, आपको खुद से कुछ नहीं करना। इमेजेस भी लिया, प्रोडक्ट भी लाएगा, इमेजेस भी लाएगा उसके। रिलेशन बनाने का फायदा क्या हुआ अगर मुझे खुद से ही पापड़ बेलने तो? इसको ट्राई कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, कोई सवाल? नुमान साहब आप कुछ पूछ रहे थे? नुमान नहीं सर, कुछ सवाल पूछ रहे थे कल में नाम सर, अभी ये थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर इसको चले। ठीक है, इसकी आप होमवर्क समझ में आ गया क्या करना है? जी सर, एडिट वाला बनाना है इसका बस। चलें फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।